हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को रेशम कीट या सिल्क वार्म के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कीटों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत रेशम कीट के बारे में आज बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने मधुमक्खी के बारे में बताया था या हनी बी के बारे में बताया था। तो पहले संक्षिप्त जानकारी रेशम कीट के बारे में, इसके बाद रेशम के कीट से कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है आपको बताएंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है। इसी रेशम से चिकने, सुंदर, मुलायम वस्त्र या कपड़े बनाए जाते हैं। यह कीट या कीड़ा या मौत सहतूत के वृक्षों पर रहता है। जो रेशम कीट होता है यह सहतूत के वृक्षों पर रहता है, और इनका लार्वा सहतूत की पत्तियों को खाता है। सहतूत के वृक्ष पर ही रहता है और लार्वा जो होता है वो सहतूत की पत्तियों को खाता है। बता दें कि रेशम कीड़ों का पालन पोषण और रेशम बनाने की प्रक्रिया रेशम कीट पालन कहलाती है, या अंग्रेजी में इसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब इस पर एक प्रश्न बनता है कि सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। या फिर इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट सहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं। रेशम का कीट या पतंगा सहतूत की पत्तियों पर लगभग 300 से 400 अंडों का रोपण करती है। यानी सहतूत की पत्तियों पर ही रहती हैं रेशम की कीट, और लगभग में सहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे रखती है या अंडों का रोपण करती है। अर्थ यह हुआ कि रेशम कीट की जो मादा होती है वो एक बार में लगभग 300 अंडे देती है। और कहाँ देती है, तो सहतूत की पत्तियों पर देती है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा कैटरपिलर लार्वा निकलता है। जो एक अंडा होता है उस एक अंडे से लगभग में 10 दिन में एक नन्हा सा छोटा सा कैटरपिलर या लार्वा निकलता है। मतलब ये हुआ कि जब रेशम कीट सहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है तो उसके लगभग 10 दिन बाद वही अंडा छोटे से कीड़े में बदल जाता है, या उसमें से छोटा सा कीड़ा निकलता है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है, या कैटरपिलर को लार्वा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जो रेशम के कीट का कैटरपिलर या लार्वा होता है ये बिल्कुल तितली के लार्वे से मिलता जुलता है, यानी तितली के लार्वे जैसा होता है, और सहतूत की पत्तियों को खाकर तेज़ी से बड़ा होता है। और जब सहतूत की पत्तियों को खाता है तो तेज़ी के साथ बड़ा होने लगता है। यह लार्वा लगभग 30 से 40 दिन में सक्रिय वृद्धि के बाद पहले लंबा होता है और बाद में गोल और मटोल हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो सक्रिय वृद्धि का मतलब हुआ कि तेज़ी से वृद्धि करके कैटरपिलर पहले लंबा होता है, तो लगभग में जो लार्वा है वो 3 इंच लंबा हो जाता है, और फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है। तो गोल मटोल होने के बाद अब 3 दिन तक निरंतर अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है जिसे कोया या कोकून कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब कैटरपिलर या लार्वा गोल मटोल हो जाता है तो इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां बन जाती हैं, और लार ग्रंथियों से चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव वायु के संपर्क में आने पर सूखकर धागे के समान हो जाता है, धागे जैसी संरचना बनाता है। यह धागा लार्वा या प्यूपा के शरीर के चारों तरफ कोकून बना लेता है। यानी वही जो लार्वा होता है वो मुंह इधर उधर घुमाता रहता है और उसके चारों तरफ वो जो धागा होता है वो लिपटता रहता है उसी की लार सूख सूख करके, तो वो कोकून जैसा बन जाता है, कोकून बना लेता है। मतलब जब मुख को इधर उधर हिलाता है
तो लार उसके चारों तरफ धागे जैसी संरचना के रूप में चिपकती चली जाती है। इस प्रकार कोकून का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है लार्वा और फिर ये है कोकून, मतलब उसी लार्वा पर धागे रूपी लार चिपकने पर जब ऐसा दिखने लगता है तो उसे कोकून कहा जाता है। तो वायु के संपर्क में धागा सूख कर रेशमी धागा बन जाता है जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। यानी वायु के संपर्क में आने पर रेशमी धागा बन जाता है वही लार, और लगभग में 1000 मीटर लंबा होता है। मतलब ये हुआ कि एक कोकून पर जो धागा होता है वो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। कोकून के अंदर बंद लार्वा एक प्यूपा में बदल जाता है। अब उसी समय क्या होता है, ये जब प्रक्रियाएं सारी चल रही होती हैं तो जो कोकून के अंदर बंद लार्वा था वो प्यूपा में बदल जाता है। सामान्य रूप से 12 से 15 दिन में प्यूपा पूर्ण कीट में बदल जाता है, और जो प्यूपा की अवस्था होती है ये 12 से 15 दिन के लगभग में होती है। इसके बाद वह पूर्ण कीट में बदल जाता है, अर्थ यह हुआ कि 12 से 15 दिन बाद वह रेशम का कीट बन जाता है। अब वह कोकून को काट कर बाहर निकल आता है। जब रेशम का कीट बन गया तो क्या करता है कि उस कोकून को जो उसके ऊपर धागे नुमा संरचना जो उसकी लार चिपकी थी उसको काट कर वो बाहर निकल आता है। यानी रेशम का कीट कोकून को फोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके कारण रेशमी धागा अनेक टुकड़ों में टूटकर ख़राब हो जाता है। मतलब ये हुआ कि इस फटे हुए कोकून से रेशम नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो कोकून है या कोया है ये कीड़े के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और इसे ही कीड़े ने काटा और काटने के बाद वो बाहर आया। तो काटने से ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसी कारण उससे रेशम नहीं बनाया जा सकता। तो फिर करते क्या हैं यदि उससे रेशम नहीं बनता है, इसीलिए क्या करते हैं कि रेशम को प्राप्त करने के लिए पूर्ण कीट के बाहर निकलने से पहले ही कोकून को खौलते पानी में डालकर धागे को अलग किया जाता है। अर्थ यह हुआ कि कीड़ा कोकून को काट कर बाहर आए उससे पहले ही कोकून को खौलते पानी में डाल दिया जाता है, और खौलते पानी में डालने से कीड़ा अंदर ही मर जाता है। जब खौलते पानी में उसे डाल देते हैं तो कीड़ा अंदर ही मर जाता है, और फिर जब कीड़ा मर जाता है तो धागे को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से रेशम कीट से रेशम का निर्माण हो जाता है, या रेशम धागे का निर्माण हो जाता है। चीन, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत आदि देशों में रेशम के पतंगों को या रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालते हैं। यानी ये जो देश हैं चीन, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत आदि कुछ और भी देश होंगे, इनमें रेशम के कीड़ों को या रेशम के पतंगों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है या पालते हैं। लगभग 25,000 कोयों से 1 पाउंड रेशम मिलता है। लगभग में 25,000 कोयों, कोयों का मतलब मैंने बताया था कोकून होता है, चाहे आप कोया कहें चाहे कोकून कहें, तो लगभग में 25,000 कोकून से, यानी एक कोकून से जोड़ते हुए 25,000 कोकून से 1 पाउंड रेशम प्राप्त किया जाता है। 25,000 से 1 पाउंड। संसार भर में प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ पाउंड रेशम उत्पन्न किया जाता है। अगर पूरे संसार की बात की जाए तो औसतन लगभग में एक आंकड़ा निकाला गया है जिसके अनुसार पूरे संसार भर में प्रतिवर्ष लगभग में 5 करोड़ पाउंड रेशम उत्पन्न किया जाता है। इसे रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहा जाता है। तो इसे ही, यानी रेशम के उत्पन्न करने को, रेशम उत्पादित करने को ही रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहा जाता है। जो शुरुआत में मैंने प्रश्न बताए थे, दो तरीके के पूछे जाते हैं, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर के बारे में आपको जानना है तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है मधुमक्खी पर, दो वीडियो अपलोड हैं, एक जीवन चक्र का अलग वीडियो अपलोड किया है मैंने, और एक मधुमक्खी के बारे में पूरी जानकारी तथा मधुमक्खी का आर्थिक महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ द हनी बी के बारे में बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल में टोटल 300 वीडियो अपलोडेड हैं बायोलॉजी के, वहाँ से आप बेस्ट टॉपिक के वीडियोस देख सकते हैं। और जो अभी टॉपिक 9th से लेकर 12th तक बचे हुए हैं वो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, जो कि वीडियो था रेशम कीट या रेशम का कीट। तो रेशम कीट पालन को मैंने बताया, रेशम कैसे उत्पन्न किया जाता है इसके बारे में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।